चलिए आज बनाते हैं मैगी मंचूरियन। और इसके लिए पहले हमें मैगी को बॉईल कर लेना है। आज मैं आप लोगों के लिए ये लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो में बहुत ट्राई किया बट शॉर्ट में पूरी तरह से रेसिपी जो है कि फिट नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक लॉन्ग वीडियो बना दिया जाए। तो इसके लिए शॉर्ट के साथ साथ इस लॉन्ग वीडियो में आप इस रेसिपी को इंजॉय कीजिए। तो पहले मैगी को बॉईल करके साइड में रख लेंगे। अब एक हमें बॉल लेना है और उस बॉल में हम डालेंगे थोड़ा सा कैबेज चॉप्ड, एकदम बारीक चॉप्ड किया हुआ। और उसके बाद इसमें हम चॉप्ड कैप्सिकम डालेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा सॉल्ट। और उसके बाद हमने जो मैगी बॉईल की है उसको भी इसमें हमें डाल देना है। अब हमें डालना है कॉर्नफ्लोर, और उसके साथ ही डालेंगे थोड़ा सा मैदा। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से अपनी हाथों की सहायता से मिक्स करना है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे, बहुत अच्छे से एक डो नीड हो जाएगा। और उसके बाद इसमें से हम छोटा सा लोई लेंगे और उसकी बना लेंगे बॉल्स। ये देखिए, अब इसको हम कोट करेंगे ड्राई मैगी में। इसको अच्छे से पूरी तरह से कोट कर लेना है। इसी तरह मैंने अपने सारे मैगी मंचूरियन बॉल्स को रेडी कर लिया है, ये देखिए। तो इसी तरह से सारी बॉल्स को आप तैयार कर लें। अब एक पैन में हम रखेंगे या कढ़ाई में ऑयल, और उसको गर्म होने देंगे। फिर इस मीडियम हॉट ऑयल में अब इसको एक एक करके डालेंगे, और इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक हम इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। अगर आप ज़्यादा हीट रखेंगे तो ये जल भी सकता है। तो मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पक जाने दीजिए, उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। अब इसके लिए हम बनाएंगे अपनी सॉस। तो उसके लिए मैंने पहले कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम एक सॉस को पहले सारे सॉस को मिक्स कर लेंगे। जैसे कि मैंने लिया है रेड चिली सेजवान सॉस, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया है। अब उसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला है, और अब डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब एक पैन में हम गरम करेंगे थोड़ा सा ऑयल, और जब हमारा ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे जो कि हमने बड़े टुकड़ों में काट के लिया है और उसको अलग अलग निकाल लिया है। और इसको डालने के बाद मैंने लिया है थोड़े से कैप्सिकम, इसको भी हमें चौकोन भाग में काट लेना है, और इसे भी इसमें डाल के अच्छे से जो है कि 2 से 3 मिनट तक सॉटे करना है, हमें इसे पकाना नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और एक हरी मिर्च, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उस जैसे ये मिक्स हो जाएगा, हमने जो भी सॉस एक कटोरी में प्रिपेयर की थी उसको पहले इसमें डाल के 1 से 2 मिनट के लिए इसको चलाते हुए भून लेंगे। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपना कॉर्नफ्लोर का लिक्विड, यानी कि जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया है उसको इसमें डाल के उसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। और इसे एकदम लो फ्लेम पे हमें भूनना है, 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने देना है। अब ये कुक हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और अब हम इसमें डालेंगे अपने बनाए हुए मंचूरियन बॉल्स को, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे लो फ्लेम पे, और 2 से 4 मिनट के लिए इस पर अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो हमारा मंचूरियन बॉल जो है पूरी तरह से रेडी है। आप इंजॉय कीजिए इस मैगी मंचूरियन को। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट लाइक शेयर करें।